अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा चौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स स्पाइस मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को माल्टोडेक्सट्रीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों माल्टोडेक्सट्रीन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म है। दोस्तों जो नेचुरल तौर पर चावल मकई या गंदों या आलू के स्टार्च के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करके बनाया जाता है। और दोस्तों ये एक फूड इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों माल्टोडेक्सट्रीन का बहुत सारी जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है और इसे एज अ थिक एजेंट भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों जितनी भी फूड पैकेजिंग आइटम्स होते हैं उनके अंदर ये लाजमी शामिल होता है, स्पेशली पुडिंग के अंदर, जेलेटिन्स के अंदर, सॉसेज के अंदर, और दोस्तों सैलेड ड्रेसिंग के अंदर, डिप्स के अंदर, पैक चिप्स के अंदर, और दोस्तों जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर इसे शामिल किया जाता है। दोस्तों बेसिकली लैक्टोज का अल्टरनेट है ये। और दोस्तों जायके के अंदर अप्रोक्सीमेटली फ्लेवरलेस होता है। दोस्तों दिखने के अंदर सफेद पाउडर फॉर्म में होता है। और दोस्तों ये पानी के अंदर हल हो जाता है। और दोस्तों जूसेस का जो टेक्सचर है बेहतर करता है। माल्टोडेक्सट्रीन को फूड प्रोसेसिंग के लिए इसलिए शामिल किया जाता है ताकि उसके हजम के अंदर इजाफा हो जाए। और दोस्तों ये आपको हर बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन के अंदर आसानी के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों ये आपको मेडिकल स्टोर से भी आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों माल्टोडेक्सट्रीन के अंदर जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग पाई जाती है। चलिए दोस्तों ये तो सिर्फ माल्टोडेक्सट्रीन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जितने भी आजकल पैक फूड बाजार से मिलते हैं उसके अंदर माल्टोडेक्सट्रीन शामिल हुआ होता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो है पैकिंग के पीछे जो है रीड कर लिया करें, स्पेशली ऐसे अफराद जिन्हें एलर्जी है, एस्मा है, जिन्हें अक्सर गैस रहती है। दोस्तों ऐसे अफराद जो है पैकिंग वाली जो चीज़ें पहले देख लिया करें, इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये माल्टोडेक्सट्रीन शामिल तो नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा इसे रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन के ऊपर रैशेस डालता है, जिस्म के अंदर कड़लियाँ पड़ सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो है माल्टोडेक्सट्रीन के साइड इफेक्ट्स हैं। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये माल्टोडेक्सट्रीन के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपको कोई सवाल है माल्टोडेक्सट्रीन के हवाले से, कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर मजीद दोस्तों किसी भी वेजिटेबल फ्रूट हर्ब्स स्पाइस खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होता है, या कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, या किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जोरिया सिंह को इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।